नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी में आपका स्वागत है। हमारा MPPCS का प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चल रहा है और ये पार्ट सेकंड है। पहला भाग आ चुका है, आप उसे जरूर देखें और लगातार इसे देखते रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला प्रश्न है, बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है ए लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए बेला डीला प्रसिद्ध है। बेला डीला छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह अपनी लौह अयस्क खाद्यान्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बेला डीला एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। बेला डीला 14 खान भारत में प्रथम बृहद खुली यंत्रीकृत लौह अयस्क खान है। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है आंध्र प्रदेश। विश्व का 60% अभ्रक उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है और भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, जो कि भारत का लगभग 65% अकेले उत्पादन करता है। अन्य जो अभ्रक उत्पादन के राज्य है वे बिहार और राजस्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा तलचिर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? इसका जो सही ऑप्शन है ये है उड़ीसा। तलचिर भारत के उड़ीसा राज्य में अनुगुल जिले का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर 38 करोड़ 65 लाख टन कोयले का भंडार है। यह भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन है गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1979 था, परंतु यह योजना जनता सरकार के द्वारा एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का की विकास दर 4.4% रही थी, जबकि वास्तव में 4.9% की विकास दर हासिल की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका जो सही ऑप्शन है ये है महालनोविस। और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 30 मार्च 1961 तक अस्तित्व में रही। इसका उद्देश्य औद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय व्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के निदेशक पीसी महालनोविस के मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? इसका सही ऑप्शन है सी 1952 में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया, जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आम चुनाव हुए थे वे 1952 में संपन्न कराए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने, बीआर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इनका जन्म महू अंबेडकर नगर इंदौर में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर पेशे से वकील थे। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है बी 52वां। दल बदल निरोधक कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लागू किया गया और भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल से निष्कासित किया जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। 3/4 सदस्यों का दल बदल वैध माना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है सी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है और इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी रहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह एक अपीलीय न्यायालय भी है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है डी, भुगतान संतुलन से। विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से व्यापार करते हैं तथा इनका प्रत्येक देश से भुगतान लेना शेष होता है विभिन्न देश के बीच। इस प्रकार के पारस्परिक लेन देन से शेष को भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा अनंत काल तक मानव की आवश्यकताएं सुनिश्चित हो सके। अतः सतत विकास से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी किया जाना सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक प्रमुख कृषि बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन में नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष 2015 में वर्तमान अध्यक्ष थे हर्ष कुमार भनवाल। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में से हुआ है? इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था जो 1787 में बना था, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। यह परंपराओं द्वारा विकसित संविधान होता है। अगला प्रश्न है, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही ऑप्शन है चुनाव सुधार। तारकुंडे समिति का गठन चुनाव क्षेत्र में खर्चों को नियंत्रित करने तथा चुनाव प्रक्रिया में और सुधार लाने के लिए सन 1974 में वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन है सी, MV माथुर। एमवी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जबकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है बी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सरदार पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही ऑप्शन है ए, 61वां संविधान संशोधन। संविधान में 61वां संशोधन 1989 के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में
निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा समस्त निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बैंकिंग सुधार के लिए। रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया। योजना आयोग ने देश भर में गरीबी की संख्या में के संबंध में विवाद पैदा होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए मई 2012 में श्री रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया। रंगराजन समिति की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह 972 रुपए 32 रुपए प्रतिदिन से कम तथा शहरों में 1407 रुपए 47 रुपए से दिन से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। तेंदुलकर समिति में यह क्रमशः 27 रुपए दिन तथा 33 रुपए प्रतिदिन था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था? इसका सही ऑप्शन है सी 1969 में। 16 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये वे बैंक थे जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। दूसरी बार 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया और 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। यह राज्य विधानमंडल का दूसरा तथा उच्च सदन होता है। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन है एपी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया और इसके पूर्व 1977 में जनता पार्टी तथा 1951 में भारतीय जनसंघ का ही परिवर्तित रूप था। इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी 1964। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में 1964 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारत में 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। इसकी रिपोर्ट में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। पंचवर्षीय योजना के निर्माण का कार्य योजना आयोग, वर्तमान नीति आयोग, जो इस समय पहले योजना आयोग था वह इस समय वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, इसके द्वारा किया जाता था। इसकी शुरुआत 1951 से की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में अन्य बहुत से संशोधन किए गए थे और इसी के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निदेशक तत्व क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी आवाद्य योग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के लिए कर्तव्य हैं, परंतु इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अतः ये आवाद्य योग हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? इसका सही ऑप्शन है वाद योग्य। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं तथा इनका हनन होने पर वह राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए तथा इनका हनन होने पर वह राज्य के विरुद्ध अपील कर सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार वाद योग्य है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसके बाद 6 मौलिक अधिकार बचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी व्यापारिक वर्ग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना 1925 में M.N. रॉय के द्वारा की गई थी और इसके सामाजिक आधार में सम्मिलित वर्गों में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, शिक्षित वर्ग तथा युवा वर्ग आते हैं। इसमें व्यापारिक वर्ग इसके सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही ऑप्शन है डी चीन। भारत का सबसे अधिक आयात अमेरिका से होता है, परंतु विकल्प के अनुसार चीन यहाँ पर उपयुक्त माना जाएगा। भारत के संपूर्ण आयात का बड़ा देश है भारत द्वारा चीन से मुख्यतः मशीनें, ऑर्गेनिक रसायन, विद्युत सामग्री, स्टील उत्पाद, प्लास्टिक आदि आयात किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन है सी भारत। उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रथम और द्वितीय क्रमशः चीन और अमेरिका आते हैं, भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है सी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए वर्ष 1933 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी और यह भारत में राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास था। अगला प्रश्न है, कौन सा नवरत्न में शामिल है? इसका सही ऑप्शन है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत सरकार ने 1997 में 9 सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान की, तुलनात्मक रूप से फायदे की स्थिति में थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की क्षमता रखती थी, परंतु इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या 18 हो गई है, जबकि महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो भेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC तेल और गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ए 1951 से 52 तक में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 था और इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। अगला प्रश्न है, PIL का विस्तृत नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
हिंदी में इसे लोकहितवाद कहते हैं और इसका प्रारंभ 1970 में जस्टिस पी एन भगवती और बी के कृष्ण अय्यर ने किया था। पीएलआई में शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, मानवाधिकारों का हनन, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तु स्थिति को देख कर लोकहित में निर्णय देता है। अगला प्रश्न है, ICCPR को किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का उल्लेख किया गया है। ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? इसका सही ऑप्शन है सी, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया और इससे उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान तथा निकोबार का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। दादर नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर अनुच्छेद और अनुच्छेद 335A को उद्सादित या निरसित कर दिया गया है और इसके अनुसार अब 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हो गया और इसी तिथि से भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? इसका जो सही ऑप्शन है ये है 28 जनवरी 1950। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147, 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसकी शक्तियां और कार्यक्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का कार्य करता है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और इसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन गलत कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण का विचार इसका प्रतिपादन किया था M.N. रॉय ने और बड़ी संख्या में समितियों में इसकी मदद का काम किया था। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी में को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में छठवीं अनुसूची पर आधारित थी। कर समाप्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, जबकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका सही ऑप्शन है सी, राजनैतिक व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो स्वर्ण तथा आभूषणों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करता है। इसमें वह एक सुनिश्चित अनुपात में स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा जमा के रूप में रखता है। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की गई थी? इसका सही ऑप्शन है सी, संसदीय मामलों का मंत्रालय। संसदीय मामलों का मंत्रालय भारत के प्रत्येक मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति का गठन करता है, जिसमें सदस्य के दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय का मंत्री करता है और संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब तक थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है बी, 2012 से लेकर के 2017, और इसका लक्ष्य रखा गया था 8.2 और इसे पुनः संशोधित करके 8 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। CSO का मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा कोलकाता में भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है बी, वर्जिस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के आनंद डेयरी की स्थापना के साथ की थी तथा श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था। तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेशन फ्लड क्या है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका सही ऑप्शन है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। उस समय इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही ऑप्शन है जी वी मालवंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है टिस्को, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। एनटीपीसी, सेल, भेल तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और टिस्को टाटा स्टील निजी क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1 नवंबर। नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, 1 नवंबर नहीं है, ये है 25 जनवरी। और यह है दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 25 जनवरी 2011 को ये मनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसका सही ऑप्शन है डी, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। वे भारत के एक महान अर्थशास्त्री भी थे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और ये असम के राज्यसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था और अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर हामिद अंसारी। लेकिन अगर वर्तमान इस समय में देखा जाएगा तो इस समय वेंकैया नायडू हैं राज्यसभा के वर्तमान सभापति, वेंकैया
नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका सही ऑप्शन है डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? इसका सही ऑप्शन है सी, 1950। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? तो ये 2010 के हिसाब का आंकड़ा है और इसका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा 29.5%। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने गांव हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, 6,30,000। भारत गांव का देश है जिसमें कुल गांव लगभग 6,30,000 हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत क्षेत्रफल में सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले और लगभग 4,000 शहर हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही ऑप्शन है ए, संसद। अगला प्रश्न है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है डी, 545। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 545 कर दिया गया। पुनः 1987 में इसे बढ़ाकर 552 कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। 530 राज्यों से 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है डी, 250। अनुच्छेद 81 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वे व्यक्ति होंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? इसका सही ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई नहीं। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के से संबंधित है। यह भारतीय संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची पहले भारतीय संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985। 11वीं तथा 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, संसदीय कार्य मंत्री। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अंतर्गत आता है। संसदीय कार्य मंत्री संसदीय मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से एक होते हैं। वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार हैं। यह प्रश्न 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है
सी मौलाना आजाद। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कही थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात ITI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है डी लोकसभा में। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक और वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद यह राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि धन वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी दिल्ली। दिल्ली का पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। लगभग 25% दिल्ली पुलिस VIP सुरक्षा के लिए निर्धारित है। वे दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन है ए, इसमें समान आवास का अधिकार दिया गया है, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 14 से 18 है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, यह 14 से 18 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी 14 से 18 में आता है। तो चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों जो मौलिक मूल अधिकार हैं, ये 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है सी दोनों, लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार कानूनी विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है गोवा। गोवा एक राज्य है, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, तो उससे पहले तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत संघ का 29वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? इसका सही ऑप्शन है बी सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय न्यायालय में मामलों को हस्तांतरण करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सर्वोपरि है। अनुच्छेद 139A(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अविज्ञान होता है तो वह किसी न्यायालय में लंबित मामले को किसी अन्य न्यायालय में भेज सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? इसका सही ऑप्शन है बी जीवी मालवंकर। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर हैं, और इन्हें दादा साहब के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष के औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? इसका सही ऑप्शन है सी
जीवी मालवणकर। जीवी मालवणकर ने ब्रिटिश काल की औपचारिक विग को त्यागा और गांधी टोपी पहनकर लोकसभा की अध्यक्षता की। जीवी मालवणकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? इसका सही ऑप्शन है बी, संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में अंतरिम संसद के रूप में भारत की संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी, जबकि भारतीय संविधान के निर्माण कार्य 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हुआ और भारत में प्रथम निर्वाचन 1952 में संपन्न हुए थे, 1952 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, नवरत्न स्टेट संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है सी, सार्वजनिक कंपनी से। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने लाभ के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को नौ रत्न का दर्जा दिया था। वर्तमान में नौ रत्न कंपनियों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियां होती हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, 30। अगला प्रश्न है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का लगभग 35% ऊन का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊन के लिए मेरिनो किस्म की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, 49%। बीमा क्षेत्र के विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की सीमा 49% है। पहले यह 26% थी। सरकार वर्तमान में यह सीमा बढ़ाकर 100% करने पर विचार कर रही है, जिससे इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, भोजन का अधिकार से संबंधित नहीं है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना का संबंध शैक्षणिक उन्नतीकरण, सामाजिक समता, शिशु पोषण से संबंधित है, जबकि भोजन का अधिकार इससे संबंधित नहीं है। सरकार ने राइट टू फूड के लिए कानूनी मान्यता दी है। मध्याह्न भोजन योजना देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए मापदंड के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका सही ऑप्शन है सी, 552। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी, समाजवादी पार्टी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। वर्तमान में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ दल हैं, जिसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न यह है, लोक सेवा आयोग के द्वारा अमान्य कर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? इसका सही ऑप्शन है सी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सर्वाधिक योग्यता देता है? इसका सही ऑप्शन है सी, तृतीय क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान निम्नमत है। ये जो आंकड़ा है ये 2017 के अनुसार है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का 70%, 50
3% पॉपुलेशन के आधार पर, और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र का 30%, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का 53%। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं वो योजनाएं जो अनुमोदित करने हैं तो भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, इसमें से कोई नहीं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करने का प्राधिकारी राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी स्थापना 1952 को की गई थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था और 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायोनियर किसको कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत पायोनियर माने जाते हैं और ये महान अर्थशास्त्री हैं जो 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे और इन्हें अपने वित्त मंत्री कार्यकाल में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया है। यूएनडीपी का ही यह हिस्सा है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन को एक संलेख है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य में गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य दिए जाने से रोकने आदि सम्मिलित हैं। इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। भारतीय निगम जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइटिंग करप्शन निकाली गई है? इसका सही ऑप्शन है डी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, सामाजिक असमानता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण में शामिल है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है और इसका जो सही ऑप्शन है ये है बी, पहला और तीसरा। ए, अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना और से सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना भारत निर्माण में शामिल है। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना प्रारंभ की थी। यह योजना 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी जिसमें सड़कें, सिंचाई, आवास, पानी की आपूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार इत्यादि शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1971। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, ये कथन कारण से संबंधित है। अभी कथन है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है और इसका सही ऑप्शन है K,
आपकी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन इसका सही होगा बी। अगला प्रश्न है केलकर टॉक्स फोर्स की सिफारिशों के संबंध में, का संबंध जो है ये किससे है? केलकर टॉक्स फोर्स इसका सही ऑप्शन है बी, करों से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशें करों से संबंधित हैं। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। 2004 में विजय केलकर ने मौजूदा कर व्यवस्था के स्थान पर जीएसटी की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका सही ऑप्शन है सी, राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का है। सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक से उधार लेकर की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भारत का सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% पर रखा गया। अगला प्रश्न है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का किस नीति को प्रोत्साहन देती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का किस नीति को प्रोत्साहन देती है? तो ये है इन सभी नीतियों का निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुई। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास हो बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी उन्नति भी हो सके। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2005 से 6 में सर्वाधिक विकास दर्ज करने वाला कौन सा क्षेत्र है? इसका सही ऑप्शन है ए, ऑटोमोबाइल्स। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में विक्री कर लागू नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ए, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चे औसतन विद्यालय जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, 93%। अगला प्रश्न है चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 की बात यहाँ पे हो रही है में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यातों का प्रतिशत डॉलर में निर्धारित करने का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 20%। अगला प्रश्न है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? और इसका सही ऑप्शन है डी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और आरबीआई अधिनियम 1976 में इसे पारित कर दिया गया। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? इसका सही ऑप्शन है डी, रफी अहमद किदवई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी तथा चिदंबरम सुब्रमण्यम तत्कालीन कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका सही ऑप्शन है
बी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह कृषि ऋण के क्षेत्र में योजना और परिचालन के मामले में मान्यता प्रदान करता है। 2018 की अगर बात करेंगे तो इसके प्रमुख हर्ष कुमार भनवाल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है बरेली। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? इसका सही ऑप्शन है संभागायुक्त। जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। नेपाली भाषा इस अनुसूची में शामिल नहीं है। भोजपुरी भी इसमें शामिल नहीं है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा नेपाली और कोंकणी तथा मणिपुरी को, 92वें संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायती तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव। ये उस समय प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें चंदेरी, बनारसी तथा कांचीवरम तमिलनाडु में स्थित है और ये साड़ियों के लिए विख्यात केंद्र है, जबकि मुरादाबादी जो है ये साड़ियों के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही ऑप्शन है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, दूसरे एन गोपाला स्वामी आयंगर और तीसरे थे के एम मुंशी, चौथे व्यक्ति थे अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे वी एल मित्र, बाद में एन माधव राव हो गए थे और सातवें थे डी पी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद टी वी कृष्णमाचारी को बनाया गया था इसके सदस्य, प्रारूप समिति का सदस्य। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा 6 महीने। कोई भी व्यक्ति राज्य या केंद्र की मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, परंतु उसे राज्य के स्थिति में विधानसभा का सदस्य तथा केंद्र की स्थिति में संसद का सदस्य 6 मास के अंदर बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? इसका सही ऑप्शन है डी 12। केंद्र व राज्य के मध्य करों का सही बंटवारा करने तथा अन्य वित्तीय मामलों को संपन्न करने के लिए अनुच्छेद 280
280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। तत्कालीन समय तक 12 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जबकि वर्तमान में 14वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, लोकसभा की अनुशंसा पर। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी लोकसभा के अनुशंसा पर लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा ये भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? इसका सही ऑप्शन है डी, 26 जनवरी 1950। सारनाथ के अशोक के स्तंभ पर मौजूद शेर को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्रदान की गई, और इसमें 4 शेर हैं तथा नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी है? ये जून 1999 के अनुसार यहाँ पे हमको आंसर करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है आ 5। यहाँ पे तत्कालीन समय में भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स 1999 में 5 थी। अगर हम वर्तमान में देखेंगे यानी 2018 के अनुसार 6 कमांड्स हैं। सभी कमांड्स का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल होता है और जिनका सीधा संबंध सेना मुख्यालय नई दिल्ली से होता है। तो अगर वर्तमान में देखेंगे तो 6 कमांड्स हैं और 1999 के अनुसार 5 थे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? इसका सही ऑप्शन है सी, 62 ईयर्स। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नरगिस दत्त राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला सदस्य थी और इन्हें वर्ष 1980 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, बुल्स तथा बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन है बी, मुद्रा बाजार। बुल्स तथा बियर्स का संबंध मुद्रा बाजार से है। ये भारतीय शेयर बाजार के 2 सूचकांक हैं। इन्हें तेजड़िया व मंदड़िया भी कहा जाता है। हैबुल्स या तेजड़िया बाजार में तेजी को दर्शाता है तथा बियर्स या मंदड़िया बाजार में मंदी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग से लोगों की सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है चीनी। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, जिसका विश्व का लगभग 15% उत्पादन है। महाराष्ट्र में चीनी के सर्वाधिक कारखाने 223 हैं। भारत में सर्वाधिक रोजगार चीनी उद्योग में ही उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कराया गया था? इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है 73वां। इसका सही ऑप्शन ए सही है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के माप की एक रूपता यहाँ पे रखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है डी, बी व सी दोनों, अनिवासी भारतीयों की जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है बी, सी आर वाई, ट्राइसम, जरी और इरडा का संबंध ग्रामीण की योजनाओं से है और जबकि क्राई एक गैर सरकारी संगठन है, ये चाइल्ड राइट एंड यू इसे कहा जाता है और इसकी स्थापना 1779 में रिपन कपूर ने की थी। अगला प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण में भारत के 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो ये जो है ये है राजस्थान में, पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर में स्थित है और एक कस्बा है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 को किया गया, पुनः 11 मई और 13 मई को 1998 को पुनः यहीं पे परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिनांक को अपनाया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी, 26/11/1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण किया था? इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचा सिविलियन अधिकारी कौन होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है लौह एवं इस्पात। आधुनिक सभ्यता में सबसे मूलभूत उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग को माना जाता है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 में हुआ था। बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस प्रदेश के रहने वाले हैं? इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जन्म सतना में हुआ था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है बी, बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह एक मिनी रत्न कंपनी है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी आर रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है? इसका सही ऑप्शन है बी, 65%। अगला प्रश्न है, बाजार अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है कीमतें। निम्न विकल्पों के अनुसार बाजार अस्तित्व के लिए कीमतें अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मांग पूर्ति, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रतियोगिता बाजार अस्तित्व के आवश्यक तत्व हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाना निषिद्ध माना गया था। इससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? इसका सही ऑप्शन है बी, 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 73 के अनुसार व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या अधिक हो और ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र का विकास दर बहुत कम रोजगार लोच है? इसका सही ऑप्शन है सी, मिश्रित कृषि। कृषि क्षेत्र में विकास दर बहुत कम रोजगार वाला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, केरल में। केरल में 1979 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी तथा उसके मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी थे। इसके बाद 20 मई 1996 को यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और इसके मुख्यमंत्री ई.के. नायनार बने थे। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 1997 को विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने मत प्राप्त हुए थे? और इसका सही ऑप्शन है ए, 158। अगला प्रश्न है, वित्तीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है? इसका सही ऑप्शन है बी, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही ऑप्शन है डी, अप्रैल 1992 से। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव के द्वारा। आर्टिकल 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? इसका सही ऑप्शन है ए, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है और इसके लिए वह भुगतान विदेशी मुद्रा से करना होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, 1/10। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए कुल सदस्य 1/10 सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम तथा गढ़पूर्ति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्न में से किससे निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? इसका सही ऑप्शन है बी, हस्तकला सामग्री। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका सही ऑप्शन है सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी भी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए चुनाव
छह माह के भीतर कराया जाएगा और तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यहाँ मिस्टेक से बी बता दिया हमने। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा प्रणाली का दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू किया गया। इसका सही ऑप्शन है बी, 1957 से। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 में लागू किया गया, जबकि वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम विधि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस पद्धति में रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेश प्रतिभूति कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन है बी, और यहाँ पर ये 77 दिया है जबकि 1976 इसका सही ऑप्शन होगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रारंभ में संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं थे। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ समाज का एक वर्ग है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है डी, प्रेस। चतुर्थ स्तंभ समाज का एक वर्ग है जो समाज पर अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। समाज का चौथा स्तंभ प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। समाज के चार स्तंभ होते हैं, पहला सरकार, दूसरा विधानमंडल, तीसरा न्यायपालिका और चौथा होता है मीडिया या प्रेस। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी। इसका सही ऑप्शन है ए, 21/5/1991 को, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत का कौन सा क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन है बी, विकास खंड। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। इसका सही ऑप्शन है डी, गेहूं। धान, ज्वार, मक्का खरीफ की फसलें होती हैं, जबकि गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और रबी की फसलों में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, राई, अलसी आदि। सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें इसका सही ऑप्शन है ए, भूमिगत रेलवे कोलकाता में है, आम रत्नागिरी में पाया जाता है, ताले अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं, चावल देहरादून के लिए फेमस है। तो यहाँ पे सुमेलित हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। इसका सही ऑप्शन है सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु ताशकंद सोवियत संघ में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। इसका सही ऑप्शन है सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अगला प्रश्न है, साल की लकड़ी का उपयोग किस उद्योग में होता है। साल की लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही आपस में किसी भी
किसी एक मतदान को करा करके किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है सी, और बाकी कथन सही है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, इसका सही ऑप्शन है ए, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होता था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1956 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने जिला ब्लॉक ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसका सही ऑप्शन है डी, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को एक रक्षक के रूप में बताया गया है, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय लगभग कितना है? इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, चना। खरीफ की फसलें जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका सही ऑप्शन है ए, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन है ए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से चलैया समिति का गठन किया गया था, और चलैया समिति ने अपनी रिपोर्ट क्रमशः 1991, 1992, 1993 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, बंबई हावड़ा वाया रायपुर। बंबई हावड़ा वाया जबलपुर रेल मार्ग में सर्वाधिक जयपुर रेल मार्ग में सर्वाधिक इस्पात कारखाने हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, झाबुआ। सारनी, बारगी, कोरबा में बड़े बिजली घर स्थित हैं, जबकि झाबुआ में कोई बड़ा बिजली घर नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है 189। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या है 189, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है 1951 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव पद वित्तीय लाभ का पद है, और वह जिस भी मंत्री के साथ जुड़ा होता है उसके कार्यों में उसकी मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी। यहां पर हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उससे संबंधित राज्यों को। 371 का ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है, 371 का ये असम से जुड़ा हुआ है,
71 गा, ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है डी 84। 2026 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों को 84 की संख्या में सुनिश्चित कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को 47 की संख्या में सुनिश्चित किया गया है। एक कुल लोकसभा सीट में 545 सदस्य होते हैं। इन सभी सीटों को निर्वाचन 2008 परिसीमन आदेश पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है डी 213। अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए 10 घंटे। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर बिजली प्रदान करके कृषि संबंधी व सुधार व ग्रामीणों को सुख सुविधाओं से अवगत कराना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य और राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। तो इसमें पहला है उड़ीसा का जो आवंटन है, ये 10 स्थानों का आवंटन दिया गया है उड़ीसा राज्य को। तमिलनाडु को 18 दिया गया है, महाराष्ट्र को 19 दिया गया है और आंध्र प्रदेश को 18 दिया गया है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले 18 सीटों का राज्यसभा में आवंटन था और तेलंगाना में डिवीजन होने के बाद 7 सीटें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब 11 सीटों का आवंटन है। अगला प्रश्न है, तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है? इसका सही ऑप्शन है सी IFAD। तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन IFAD है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग के लिए सशक्त करना है। अगला प्रश्न है, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ए एम विश्वेश्वरैया। JRD टाटा भारत के वायुयान उद्योग एवं अन्य उद्योगों के अग्रणी थे। 1932 में इन्हें टाटा एयरलाइंस शुरू की। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और एम विश्वेश्वरैया प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है बी 1955 में। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अंतर्गत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कालांतर में सहयोगी बैंकों को मिलाकर इसे भारतीय स्टेट बैंक की का नाम दे दिया गया और इसकी स्थापना जुलाई 1955 में की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही ऑप्शन है सी
1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान का 1935 का अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1935 के अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत का लगभग 70% संविधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। इसका सही ऑप्शन है ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, इस अधिनियम को हम माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम का मुख्य दोष या पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करना, अर्थात इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसने भविष्य में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे। अगला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिससे, इसका सही ऑप्शन है डी, ना निर्यात और ना ही आयात होते हों। बंद अर्थव्यवस्था जब किसी देश में ना आयात व ना निर्यात हो तब उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसका सही ऑप्शन है बी, 2012 से लेकर के 2017। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया। इसका सही ऑप्शन है ए, एसपी गुप्ता समिति। इंडिया विजन 2020 जनवरी 2003 में जारी किया गया। इसका उद्देश्य अगले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना था, नई दिशा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग के सदस्य श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन है सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने देश के सदस्यों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। यह अपने सदस्य देशों के विकास को सुगम करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। इसका सही ऑप्शन है ए, विजय केलकर। वस्तु एवं सेवा कर टास्क फोर्स पूर्व वित्त सचिव तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। विजय केलकर को देश में आर्थिक सुधार में परामर्श प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। इसका सही ऑप्शन है सी, 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन है आ, भारत के संविधान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, 5 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका सही ऑप्शन है बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। इसका सही ऑप्शन है ए, गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम जहां की आबादी 500 से अधिक हो वहां पक्की सड़क बनाकर गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संबंध में अप्रासंगिक है। इसका सही ऑप्शन है बी, BSE। सेंसस की स्थापना 1986 में की गई थी। BSF बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, जिसे 1875 में स्थापित किया गया था, जबकि NSE 50 की स्थापना जुलाई 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसका सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक सालाना $1 अरब से अधिक मुनाफा कमाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्था को पिजड़े में बंद तोता कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय जांच आयोग CBI। CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न मामलों की जांच करने के लिए बनाई जाती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में CBI को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन है ए, हैदराबाद। 29वां राज्य बना तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, इस जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी हैदराबाद को चुना गया और इसके प्रथम मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बने थे। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को 15 दिसंबर 1946 15 दिसंबर 1946 को संविधान में प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? इसका सही ऑप्शन है त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के संचालन हेतु 1957 में एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी अनुशंसा पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने की मांग उठ रही थी। परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान लाए गए थे, इनकी विशेषताओं के अंतर्गत इन्हें ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके क्रियान्वयन में विवादित हो गया, परंतु इसका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल Focus Up to Infinity को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।